टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट इज चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। नाउ आई होप कि पहले वाले चैप्टर्स क्लियर हो गए हों। ओके, इससे पहले वाला भी जो चैप्टर था ऑफ पॉल साइंस, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, तो आई होप कि वो भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, उसमें कोई डाउट ना हो। ओके, बिकॉज़ ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे और ज़्यादा सिलेबस पाइल अप होता जाएगा। ओके, तो अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो और वाला चैप्टर फिर से एक बार रिवाइज कर लो बिफोर स्टार्टिंग दिस। नाउ लेट अस डू द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like। अब पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रूलर होता है वो जो चाहे वो नहीं कर सकता है, उसको सर्टेन रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow। अब कुछ ऐसे certain rules हैं जो दोनों को follow करने हैं, चाहे वो citizen हो चाहे वो ruler of the country। ये हम democratic country के बारे में बात कर रहे हैं। All such rules together are called constitution। और एक country जो basically जो रूल्स कंटेन करती है जिससे वो कंट्री गवर्न होती है, जो जिसमें सारे लॉज लिखे जाते हैं, उसको बोला जाता है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमने बहुत एक सिंपल डेफिनेशन करी है कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। जो सुप्रीम लॉ है कंट्री का वो है कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी आप देख लो कोर्ट्स, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करते हैं। वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं दे सकते, कोई भी ऐसा जजमेंट पास नहीं कर सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो। ठीक है, कुछ चेंजेस ला सकते हैं, वो एक दूसरा प्रोसेस है, बट जो लॉ है जो हर किसी को मेंटेन करना है, That is laid by the constitution of the country। अब उस constitution में क्या क्या mentioned है, उस constitution में rights of citizens की कौन कौन से rights citizens को मिलने चाहिए, कौन कौन सी powers government को मिलेंगी और कैसे एक government run करेगी country में, कैसे वो function करेगी, ये सब कहाँ दिया, ये सब constitution में दिया गया है। In this chapter we ask some basic questions अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब इस चैप्टर में हम बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। हाउ आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट्स, और वो वैल्यूज़ कैसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करती हैं डेमोक्रेटिक वे में। Once a constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing conditions? या अगर एक बार constitution बन जाती है, accept हो जाती है, उसमें changes लाए जा सकते हैं एक proper way में, तो ये सब questions होंगे जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। One recent instance of designing constitution of a democratic state is that of South Africa। Now we अब आपके सिलेबस में साउथ अफ्रीका का पार्ट हटा दिया गया, सो वी हैव टू डिलीट द 2.1। ओके, सो हम लोग 2.1 नहीं पढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका का एग्जांपल वी वोंट स्टडी। वी विल नॉट स्टडी दिस, प्लीज डिलीट दिस होल। यू मस्ट बी हैप्पी, 2-3 पेजेस कम हो गए, कम पढ़ना पड़ेगा। सो वी हैव डन दिस ओवरव्यू, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.2 से।
वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की। नाउ चिल्ड्रन, बिफोर वी कंटिन्यू वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए अबाउट साउथ अफ्रीका। नाउ आफ्टर, अनलाइक इंडिया, बेसिकली इंडिया में ज़्यादा यूरोपियन सेटल नहीं हुए थे, ज़्यादा वाइट पीपल सो कॉल्ड सेटल नहीं हुए थे, वो इंडिपेंडेंस के बाद वो वापस चले गए थे, देर वर नॉट मच, बट इन साउथ अफ्रीका वहाँ पे वो लोग सेटल हो गए थे और वहाँ पे वो लोकल रूलर्स भी बन चुके थे। सो इससे उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपार्थीट सिस्टम, बेसिकली अपार्थीट सिस्टम में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था अगेंस्ट दी सो कॉल्ड ब्लैक्स, जो वहाँ के नेटिव्स थे। सो काफ़ी ऑप्रेस करा गया था वहाँ के लोगों को, जैसे ये जो साइंस हैं, और आने नहीं दिया जाता था किसी भी, वो कई ऐसे स्पॉट्स थे जो रिज़र्व करे जाते थे ओनली फॉर वाइट पीपल, और एंट्रेंस नहीं मिलती थी, एंड ऐसे साइंस बनाए थे जो बी लिटल करते थे मतलब जो बाकी जो रेशियल ग्रुप्स हैं उनको नीचा दिखाते थे। सो एक पॉपुलर फिगर थी नेल्सन मंडेला, ही वॉज़ वेरी पॉपुलर, उन्होंने अपार्थीड के अगेंस्ट वो करे थे, मूवमेंट्स निकाले थे। ओके, देन देर वॉज मैनी स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था काफ़ी सारे, फिर जो रेशियल ग्रुप्स थे उन्होंने अपोज करा कि वो अब नहीं सहेंगे ये सब, फिर जो गवर्नमेंट थी उसने भी सोचा कि अब और ज़्यादा नहीं दबाया जा सकता है, अब उनको वो देना ही पड़ेगा, एंड फिर गवर्नमेंट ने भी ये जितने भी बैन वगैरह थे उनके अगेंस्ट सब हटा दिए थे, एंड इट फॉर्म्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सबको इक्वल राइट्स थे। देन नेल्सन मंडेला को भी फ्रीडम मिली और उन्होंने बोला कि अब जो हो, मतलब जो हो गया है वो हो चुका है, अब जो वाइट्स हैं उनको भी फॉरगिव, उनको भी माफ़ कर दिया जाएगा, और एक ऐसी कंट्री बनाएंगे जहाँ पे सब इक्वली ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, और उन्होंने एक अपनी नई कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जो सबके लिए इक्वल थी। ओके, सो दिस वाज रियली, मतलब आफ्टर चेंजेस एक ये बहुत कंस्ट्रक्टिव वो बन गई साउथ अफ्रीका कंट्री। नाउ कमिंग ओवर हियर, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ यू डोंट हैव टू रियली, नाउ चिल्ड्रन यू डोंट हैव टू रियली डू दिस, ये कट है सिलेबस से, मतलब दिस पैराग्राफ रिलेटेड टू साउथ अफ्रीका, बट वी कैन जस्ट रीड कि हमें पता चले, क्योंकि हमें जो नेक्स्ट टॉपिक करना है उसमें हमें समझना तो पड़ेगा ही ना। सो द साउथ अफ्रीकन जो एग्जाम्पल है वो अच्छा है कि जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, ओके, कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि उसी ने राइट्स, इक्वल राइट्स दिलाए थे लोगों को, ठीक है, और गारंटी करा था कि आगे कुछ ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। The oppressor and the oppressed in the new democracy were planning to live together as equals. अब new democracy में दोनों oppressor और जो मतलब दब रहे थे और जो दबा रहा था वो दोनों ही equally रहेंगे। उनको अपने अपने fears तो थे, डर तो था, पर उनके जो interest थे वो safeguard थे, क्योंकि अब सब constitution में था। Now the black majority was keen to ensure, अब जो blacks थे वहाँ के वो majority में थे, they were 3/4 of the people, okay, वो majority में थे और उन्होंने ensure करा था कि जो democratic principle है majority rule का वो compromise नहीं करा जाएगा, और जो white minority के लोग हैं उनको भी उनका हिस्सा मिलेगा। And after long negotiations both parties agreed to compromise, और लंबी नेगोशिएशंस के बाद जब दोनों पार्टियां उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हाँ कर दी, द वाइट्स अग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल,
एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट। वाइट्स ने अग्री करा कि मेजॉरिटी रूल के प्रिंसिपल्स को वो मतलब अग्री करेंगे एंड वोट के लिए भी वन पर्सन का सिर्फ एक ही वोट होगा। और उन्होंने ये भी अग्री करा कि बेसिक राइट्स रखे जाएंगे फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। द ब्लैक्स अग्रीड दैट द मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट रूल नहीं होगा मेजॉरिटी रूल का, जैसे पहला था, पहले वाइट लोगों के पास पावर थी, अब ब्लैक लोगों के पास हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। दे अग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। उन्होंने ये अग्री करा कि जो मेजॉरिटी है ब्लैक की, वो प्रॉपर्टी नहीं लेगी माइनॉरिटी की। दिस कॉम्प्रोमाइज़ वॉज नॉट ईजी। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड? अब ये कॉम्प्रोमाइज़ ईजी नहीं था, पर इसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ? इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, वॉट वॉज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन द फ्यूचर? अब जो माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ थी, उन्होंने एक दूसरे पर ट्रस्ट तो कर लिया, पर क्या गारंटी थी कि ये आगे भी ट्रस्ट बना रहेगा, ये टूटेगा नहीं, कि ब्लैक दबाएगी नहीं, बदला नहीं लेगी, या वाइट फिर से पावर में आ जाएगी और फिर से ऑपरेशन दिखाएगी? तो इसकी सिक्योरिटी क्या थी, इसकी गारंटी क्या थी कि आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा नहीं होगा? द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरी वन वुड अबाइड बाय। सो एक यही तरीका था कि ट्रस्ट बना रहे, कि जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के, इसमें मतलब थोड़ा सा उसको मेटाफोरिकल लैंग्वेज दे दी गई है गेम की, बट इट्स नॉट अ रियली अ गेम, इट्स गवर्नमेंट की रूल्स लिख दिए जाएंगे जिसमें सबको सब कुछ फॉलो करना है। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर चोजन इन फ्यूचर। इसमें ही था कि जो आगे के रूलर्स हैं वो कैसे चूज करे जाएंगे। दीज रूल्स ऑल्सो डिटरमाइन वॉट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू एंड वॉट दे कैन नॉट डू। और इसमें यह भी लिखा जाएगा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होंगी उनके पास कौन कौन सी पावर्स होंगी, वो कौन कौन सी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं और कौन कौन सी को नहीं कर सकते हैं। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। और ये रूल्स राइट्स भी डिसाइड करेंगे उस कंट्री के सिटीजन्स का। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ़ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी ईजिली। और ये रूल्स तभी अच्छे से काम करेंगे जब जो विनर है, जो जीत रहा है, वो उनको चेंज नहीं कर सकता बहुत आसानी से, मतलब उनको चेंज नहीं कर सकता। दिस इज़ वॉट द साउथ अफ्रीकन्स डिड। और यही साउथ अफ्रीकन्स ने करा भी। दे अग्रीड टू सम बेसिक रूल्स। उन्होंने अग्री करा कि ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। उन्होंने ये भी अग्री करा कि दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम। और ये जो रूल्स हैं वो सुप्रीम रहेंगे, उनसे भी ज़्यादा सुप्रीम। क्यों? ये नहीं कि कोई दूसरा गवर्नमेंट में आया और उसने बदल दिया, ऐसा नहीं कुछ होगा। दैट नो और को जिसकी भी गवर्नमेंट बने वो इन रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये बेसिक रूल्स होंगे, दैट विल बी कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो चिल्ड्रन, हम लोग ने यहाँ तक कर लिया है। एंड If you have any problem, because this is a new chapter, आपको हो सकता है कि किसी चीज़ में कहीं problem आ जाए, so just give me a message regarding your doubt. Don't wait for me कि जब मैं reply करूँ तब आप अपना doubt भेजो। आप अपना doubt कभी भी भेज दो and I will answer them timely. Okay? Now I will give only one question for the worksheet because this chapter is new. एंड आप एक बार क्लाइमेट चैप्टर भी रिवाइज कर लेना। ओके, सो रिवाइज दैट क्लाइमेट चैप्टर, देन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉल साइंस, एंड जहाँ तक याला चैप्टर में जितना अभी तक मैंने करवाया है। ओके, बेसिकली कुछ करवाया नहीं है ज़्यादा, बट स्टिल एक बार फिर से वीडियो ही देख लेना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, वॉट वॉज द गारंटी दैट द ट्रस्ट between the oppressor and the oppressed of South Africa will not be broken in future? I am repeating it again. What was the guarantee that the trust of the oppressed
and the oppressors of South Africa will not be broken in future. Okay, and this is the basically जहाँ तक उसके बाद से जब तक हमने करा है is the answer. If you write in your own words, it will be very good.